तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपको मार्केट में हर टाइप के लोग मिलेंगे, जैसे इंश्योरेंस बेचने वाले होते हैं वैसे ही 1 रुपए का डॉग 50 रुपए में बेचने वाले, ये तो शो वाला डॉग है, अगर तू लेगा और शो करेगा तो 50 का तू 1 लाख में बेचेगा। मेरे पास बहुत लोग आए, उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया, बट हमको ये शो में इतना इंटरेस्ट नहीं, जो है वो है। तो भाइयों और बहनों, बहन ज़्यादा नहीं है बट बता रही हूँ, ये सबसे मत अपने आप को इसमें मत डालिए। मैंने ऐसा भी मैंने बहुत लोग सुने, अरे वो डॉग शो के चक्कर में पूरा ये हो चुका है, पूरा नुकसान, डॉग को जो सामने वाले का पैसा, जिसके पास डॉग रखा है वो पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है उसके पास। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो डॉग आपने डॉग रखा, आप ब्रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, वैसे भी 10,000 में बेचना है, वैसे भी 10,000 में बेचना है, तो क्या ज़रूरत है उसके पास एफर्ट डाल के, अगर आपका डॉग 10,000 में ही बिकना है ना। अब बात समझिए, डॉग शो करने वाले लोग जो कोई 50 और 1 लाख रुपए में, एक आध दूसरा बंदा रहेगा अच्छा वाला, कोई अच्छा ब्रीडर रहेगा जो ये सब करता रहेगा, बट 99% 10 और 12 हज़ार में बेच रहे। मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ, अब हम नहीं डॉग शो करते, हम 12 हज़ार में बेचे तो फिर क्या हुआ? सही बात है, तो ये बात समझिए, हम डॉग शो करके अगर मैं वही बच्चा 12 हज़ार में बेचूँ तो फिर मतलब नहीं। तो मेरा बोलना है कि जो फंसाते हैं आपको या फिर वो लत लगाते हैं, वो लोगों से दूर रहिए, क्योंकि लोग है ना दूसरे की चमक धमक पे जाते हैं। जो कोई अच्छा बंदा है जिसने शायद से इम्पोर्ट का कोई ब्रीड लिया रहेगा, उसने डॉग शो किया रहेगा, मे भी हो सकता है वो अच्छे रेट में बेचता रहेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं, बेचता रहेगा, तो उसने जो एफर्ट डाले उसका वो निकला ना। बट अगर आपका एफर्ट डाल के कुछ नहीं निकल रहा है, बच्चे उतने ही मेरे रेट में ही बेचने हैं, तो कितना एफर्ट है, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो फिर आप अच्छे से अच्छा बच्चा ले लो। मार्केट जो 2-3 लाख रुपए 1 लाख रुपए का बच्चा है वो आपको 40-50 हज़ार में मिल रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन है, ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो आपका पैसा कहीं पे फंसने से अच्छा है फिर नॉर्मल चल रहा वैसा। मैं क्यों बता रही हूँ, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, मैंने तो सुना 2-3 लोगों ने खुदकुशी भी कर ली। तो मेरा बोलना है वही है, ब्रीडर भाई बहन या फिर जो चाहते हैं कि ये सब इंडस्ट्री में आए, तो जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, पहले उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लो। ये अगर मैंने डॉग 20,000 में लिया है, एक एग्जांपल, उसको ब्रीडिंग करने के बाद मेरा बच्चा कितने में बिकने वाला है, या फिर मैं डॉग शॉप के पीछे ट्रेनर का पैसा है, या फिर जो हैंडलिंग करेगा उसका पैसा है, डॉग का मेंटेनेंस है, वो सब निकलना भी चाहिए। चलो जिनके पास बहुत पैसा है वो डाल सकते, बट जिनको पैसा है नहीं या फिर वो नहीं ये कर पा रहे, तो आपका लाइफ, मुझे ऐसा लगता है, आपका देख लीजिए, बट जो सही है ना वो आपको बात समझ में आनी चाहिए। कोई आपको आके ज्ञान दे के, मतलब गलत वाला ज्ञान दे रहा है, अरे तू ये डॉग ले ले तो अच्छा रेट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने जिनको बोला और 50-50 हज़ार के जिन्होंने डॉग लिए, अब उनके बच्चे अभी 10 और 12 हज़ार में बेच रहे, फ्री में भी दे रहे लोग सामने मेरे। फिर हमने 12,000, ना हम डॉग शो कराते हैं ना कुछ है, सिर्फ अच्छा खाना खिलाते हैं, और ये बच्चे अगर हम 12,000 में बेचे तो वो कोई बुराई नहीं है। तो भाइयों और बहनों, जो भी आप कर रहे हो आप करो, किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है, पर पूरा इन्फॉर्मेशन लो। मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि ये ना लत है, सामने वाला डॉग शो है, नाम हो जाएगा मुझे, मेरा ये होगा, मेरा ये होने वाला है, वो एक आध दूसरा ही रहेगा, और उधर जाके भी आपके डॉग को कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ ना कुछ खामियां निकाल के वो उससे निकाल देते 99%। तो मेंटेनेंस करो, जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहो, या फिर अगर हो आपके पास बहुत पैसा है डालने के लिए तो डालो,
नहीं है तो फिर ये सब में अब भी मत फंसो और किसी और को भी मत डालो। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने लाखों रुपए डाले और उनके डॉग कहीं और पड़े हुए हैं, जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब ट्रेनिंग के हिसाब से रखे या फिर लाखों रुपए ट्रेनर जो जिसके पास रखे उसके लाखों रुपए दे रहे, पैसा देने के लिए भी नहीं। मैंने बीच में एक इंक्वायरी किया, मुझे पता चला अच्छा अच्छा ब्रीड है और जिसके पास रख रहे वो डॉग मेंटेन भी नहीं करता। मैंने वो देखे तो बिना बोलते ना सर और तल के सिवा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट ये मैं बात उनके लिए बोल रही हूँ जो नए आ रहे हैं। किसी किसी की बातों में मत फंसिए। कोई आपको ये बोल रहा है कि आपने जो ये करो बहुत अच्छा है, मार्केट अच्छा हो जाएगा, तेरा सस्ते में बच्चा है वो महंगे में बिकेगा, कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे लोग हैं लीटर लीटर दे रहे कचरा रेट में भाई, तो फिर इससे अच्छे तो हम लोग हैं जो डॉक्सो करते हैं। करने वाला जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करेगा, उसको लग रहा है वो करेगा। और आपका इतना सब सीसी बीसी अमका टमका मिलके भी आपका डॉग 10,000-12,000 में बेचना है तो क्या मतलब है? जो मैंने बोला उस पर थोड़ा सोचिए, करने के लिए कुछ नहीं करो, वो एक शौक होता है। और मैंने डॉग शो देखे हैं तो मुझे शौक बहुत बड़ी चीज़ है, बट पैसा है तो करो। अभी सिचुएशन नहीं है ना मार्केट का वैसा, मार्केट पूरा डाउन है, जो चल रहा है उस तरीके से ही चलना है। पता नहीं ये कब खुलेगा, कब पता नहीं चैरिट में बच्चे कब बिकेंगे या फिर सेल होगा कि नहीं होगा। हमारे पास भी बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक है हम उनको मैनेज कर देते हैं या फिर सेल नहीं हुआ नो प्रॉब्लम। पर जो बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके पास डॉग है और वो बढ़ रहे तो फिर कचरा रेट में दे रहे, सस्ते में दे रहे, फ्री में दे रहे, तो फिर जो मेंटेनेंस है उसको ही रेट अभी निकलना है, बच्चा सेल करना है तो रेट पकड़ के मत रहो या फिर जो भी है दे दो, तो बच्चा भी जाएगा अच्छी जगह दे दो, किसी को भी मत दो। वो भी है किसी को दे दिया बेचारा वो कैसा रखेगा पता नहीं, वो डॉग की हालत ना हो जाए। तो डॉग शो के चक्कर में मत फंसी, और जो है जिनके पास पैसा है जो खर्चा करना चाहता है करने दो उनको, जो बड़ा होना है और बड़ा बन जाओ। अब डॉग शो में बहुत सारे आप जाओगे उतना एंट्री है क्या? नहीं है, उसी रीजन वही है। हम रोज का मार्केट में है नहीं या फिर डॉग शो में जाते नहीं, इसका मतलब